वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय एट टैग टीवी, और मैं एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए तड़कती और भड़कती खबरें। वॉर रिलीज हो चुकी है 2nd of October को, स्टारिंग ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ एंड वानी कपूर। ऋतिक रोशन इज डूइंग अमेजिंग इन दिस मूवी, बहुत टाइम बाद उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी देखने को मिल रही है। टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड वानी कपूर इज लुकिंग ऑल गॉर्जियस इन दिस मूवी। मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट है, इसका फर्स्ट डे कलेक्शन 52.5 मिलियन है एंड अभी तक का कलेक्शन 10.2 मिलियन डॉलर्स हो चुका है। द मूवी इज फैंटास्टिक एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। अब बात करते हैं द फैमिली मैन की। ये टीवी सीरीज अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। मनोज बाजपाई एंड प्रिया मनी आर प्लेइंग अ फैंटास्टिक रोल। मनोज बाजपाई एक एजेंट का रोल निभा रहे हैं एंड ही इज वेरी मच कमिटेड टू हिज वर्क। ये सीरीज 10 एपिसोड्स की है एंड वी कैन नॉट वेट फॉर द सीक्वल। परिणीति चोपड़ा बात करती है कि उन्हें स्कूबा डाइविंग कितनी ज़्यादा पसंद है और वो उन्हें इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई फ़ोन नहीं कर सकता। उनको फ़ोन पर बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है एंड वो स्कूबा डाइविंग को एक मेडिटेशन बोलती है। वो कहती है, जब मैं अंडर वाटर जाती हूँ देन आई कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन। आई एम श्योर वन शुड डेफिनेटली ट्राई स्कूबा डाइविंग। What I like the most about diving, no phone network underwater. Nobody can call me, my manager cannot call me and tell me any work. Honestly, I used to hear a lot of these scuba divers who used to say, you know, it's like meditation. Some people say, you know, it's as good as a drug. Some people say, you know, it's the most peaceful thing. It always used to be theory for me. And then I remember my first time that I ever did a dive was in Bali. And I think that when I came out from my first dive, I think I was a changed person. I'm not a very sporty person. This was literally the only sport which was in my life. But I started in 2014 is when I started. So 5 years. So I'm a baby, a new baby. Honestly, it is a detox program because I actually leave my phone behind. I've done land-based diving, I've done liverboard diving, and I literally love to just forget about my phone. You know, that's the main thing. And I've made so many friends all over the world, you know, people who were on the boats with me or my instructors or the resorts that I've stayed in or, you know, the liverboards. We meet so many new people. Wow. So I've made so many like friends all over the world now. So it's amazing. हाउसफुल 4 का नया गाना रिलीज हो चुका है। इस पे 1.1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और इस गाने का नाम है शैतान का साला। अक्षय कुमार एक बहुत ज्यादा डिफरेंट रोल में देखने को मिल रहे हैं। इसका पहला गाना
एक चुम्मा भी रिलीज हुआ था लास्ट वीक और वो भी काफी ज्यादा हिट है और रेडियो पे सारा टाइम चलता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सारे के सारे एक्टर्स अपने रोल में घुसने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जैसे कि फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह बनने के लिए कितनी ज़्यादा जिमिंग और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की थी उन्होंने वो रोल को निभाने के लिए, एंड द मूवी वॉज सुपर हिट। जैसे कि परिणीति चोपड़ा साइना नेहवाल की बायोपिक में साइना नेहवाल का रोल प्ले कर रही है, वो हर रोज 2 घंटे बैडमिंटन खेलती है और 1 आवर का प्रेप करती है, दैट्स अ लॉट। और उसके अलावा उनका वर्कआउट अलग। आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी ईगरली बिकॉज आई एम श्योर परिणीति चोपड़ा इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस एंड शी इज गोना नेल इट। उसकी शूटिंग अभी जल्द शुरू हो जाएगी, उसकी ट्रेनिंग चल रही है जोरों शोरों से और मैं हर रोज 2 घंटे बैडमिंटन खेल रही हूँ, 1 घंटा प्रेप कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो और अभी हाल ही में मैंने गर्ल ऑन द ट्रेन ख़त्म करी है, तो 2 ऐसी फिल्में हैं जो आई थिंक मेरी करियर की सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म्स हैं, ऐसी फिल्में जो मैंने पहले करी नहीं है, तो आई होप कि ऑडियंस को पसंद आए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई विश ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ आर एक्टर्स इन द सोशल इवेंट्स। जॉन इब्राहिम एंड सनी लियोनी कैंसर पेशेंट्स के इवेंट पर हाजिर हुए थे, उनके साथ जैकी श्रॉफ भी देखने को मिले हैं हमें उस इवेंट में। सुशांत सिंह राजपूत ने ट्विटर पर इनकरेज किया लोगों को बिहार फ्लड्स के लिए डोनेशंस देने के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। दैट्स अ फैंटास्टिक जॉब एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स शुड इनकरेज द जनरल पब्लिक टू डोनेट और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दी सोशल इवेंट्स। Thank you.
फेस्टिवल सीजन इज हियर. अभी अभी नवरात्रि गया, अब दुर्गा पूजा, फिर दशहरा और फिर दिवाली. ये फेस्टिवल सीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करना हर हिंदुस्तानी का सपना होता है और वो बहुत धूमधाम से ये सेलिब्रेट करते हैं. काजोल एंड हर सिस्टर एंड हर मदर वर सीन सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा एंड दे वर ऑल सीन ड्रेस्ड इन अ ट्रेडिशनल अटायर. दे वर ऑल लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड स्टनिंग. माता के दिन चल रहे हैं. मेरी शादी जहाँ पे हुई है, हम लोग भी माता को बहुत मानते हैं. और यू नो, नवरात्रि का जो ये मौसम है जिसे कहते हैं, तो हम भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं उसको. वहाँ पे भी, यहाँ पे भी, आई थिंक माँ जो है बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी है. और या वी लव इट, हमको बहुत मज़ा आता है करने में और बहुत श्रद्धा से भी करते हैं हम. बात करते हैं अपने फेवरेट स्टार सलमान खान के बारे में. उनकी भारत 100 करोड़ के बजट के साथ 300 करोड़ का बिजनेस कर चुकी थी एंड काफी ज्यादा हिट डिक्लेयर हुई है. और अब उनकी मूवी 20th दिसंबर को रिलीज होने वाली है, दबंग 3. जैसा कि हम जानते हैं, दबंग 1 एंड दबंग 2 काफी ज्यादा हिट रही थी और अब दबंग 3 का शूट खत्म हो चुका है एंड इट्स ऑल सेट टू बी रिलीज्ड ऑन 20th of December. आई जस्ट कांट वेट टू वॉच दैट मूवी. सलमान खान फिर से एक पुलिस वाले का किरदार निभाएंगे एंड आई एम वेरी श्योर इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर. आई कैन नॉट वेट टू वॉच दैट मूवी. तो आज हमारा दबंग 3 का लास्ट डे था, हमारा पैकअप हो चुका है. और स्ट्रेंज बात यह है कि, खुशी की बात यह है कि आज हमारे वीके सर यानी के विनोद खन्ना सर, उनका आज जन्मदिन भी है. तो हमारे प्रजापति पांडे साहब का जन्मदिन है और उसी दिन पर हमारा आज कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली हमारी दबंग 3 की शूटिंग पैकअप हो चुकी है. सो वीके सर, मिस यू. Miss you. We all miss you. We all miss you. And we have Pramod sir, your own brother, to play you in Dabangg 3. God bless you, Vijay sir. We really miss you.
बिग बॉस को शुरू हुए अभी तक एक हफ्ता भी नहीं हुआ और अभी से लड़ाइयाँ और धमाल और मस्ती शुरू हो चुकी है। अभी से टीम्स डिवाइड हो चुके हैं और अभी से ही ग्रुप्स बनने लग गए हैं। पहले हफ्ते में ही हमें देखने को मिला शेफाली और देबोलीना का एक ड्रामा। उन दोनों के बीच में ऑलरेडी वॉर स्टार्ट हो चुकी है एंड दोनों ने अपनी अपनी टीम्स बना ली है। काफ़ी ज़्यादा लोग देबोलीना को सपोर्ट कर रहे हैं बट शेफाली भी किसी से कम नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं बिग बॉस में हर बारी एक लव स्टोरी तो होती ही होती है फॉर द ड्रामा, और शहनाज और पारस की लव स्टोरी अभी से ही शुरू हो चुकी है। ये लव स्टोरी काफ़ी क्यूट भी लग रही है क्योंकि शहनाज ऑलरेडी सबकी फेवरेट बन चुकी हैं। उनका क्यूट सा ड्रामा, नखरे, टैंट्रम्स ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं एंड शी इज़ डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग सेलिब्रिटी इन द हाउस। इलेवेंथ अक्टूबर को अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे आने वाला है एंड द लेजेंडरी सुपरस्टार इज टर्निंग 77। रियली इज ही 77? सो आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टैग टीवी फैमिली। और अगले हफ्ते हम बात करेंगे उनकी मूवीज के बारे में। I would like to wish the viewers of TAG TV a very happy Dussehra. So enjoy this festival and see you next week.